हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे प्रोग्राम नंबर 20 जो कि सीबीएसई ने हमें प्रोवाइड किया है एज प्रैक्टिकल लिस्ट इन द ऑफिशियल सिलेबस फॉर क्लास 11 आईपी, दैट इज इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, राइट। क्वेश्चन है टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज एट ऑड नंबर्ड पोजीशंस फ्रॉम अ नंपाय एरे। सो वी नीड टू क्रिएट अ नंपाय एरे, उसमें कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं और आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, मतलब आपको दिखानी है वो वैल्यूज जो ऑड नंबर्ड पोजिशंस पे हैं, मतलब फर्स्ट पोजिशन पे है, थर्ड पोजिशन पे है, फिफ्थ पोजिशन पे है एंड सो ऑन। सो ऑड नंबर्ड पोजिशंस हमें शो करनी है, तो वो कैसे होगा, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस प्रोग्राम। सो लेट्स गो टू पाइचार्म एंड बाय द टाइम वी स्टार्ट द प्रोग्राम यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। एंड तब तक मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। सो मैंने न्यू फाइल पाइथन फाइल कर लिया, नाम दे दिया इसका ऑड पोजिशन। सो या आई एम हियर नाउ। अब हमें यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, एनपी एरे बनाना है, तो ऑब्वियसली इम्पोर्ट नंपाय एज एनपी करेंगे, ठीक है। आपने इम्पोर्ट कर लिया इसको, अब क्या करना है, मुझे एरे क्रिएट करना है। सो एरे जो है वो आपकी मर्जी है, आप कैसे क्रिएट करना चाहते हो। आई कैन यूज़ अरेंज, जैसे कि हमने पहले यूज़ किया था जिसमें 0 से 9 तक नंबर्स आ जाते हैं डायरेक्टली, या आप किसी लिस्ट की हेल्प से भी बना सकते हो। सो आई वॉन्ट टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट, लेट्स से मैंने यहाँ पे बनाया 11, 34, 23, 18, 19, 34, 56, 34 हमारे पास पहले भी है तो हम दोबारा भी ले सकते हैं, बट स्टिल आई एम चेंजिंग द नंबर। सो आई एम हैविंग 7 नंबर्स इन द लिस्ट, राइट। सो ये मेरा एरे क्रिएट हो गया और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया दैट ओरिजिनल array is and I print arr, right? So this is my original array and I want to print this. So मैंने run किया और select किया odd position. So आप देखोगे ये array यहाँ पर print हो रहा है, पर हमें कहा गया है कि हमें सारे के सारे elements नहीं show करने, हमें odd position वाले elements को show करना है। अब वो odd positions आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये जो position है, this is first, this is third, this is fifth and this is seventh. So हमारे बोलने में ये 1, 3, 5, 7 है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये जो पोजिशन है वो 0, 2, 4, 6 है, क्योंकि पहला एलिमेंट पोजिशन 0 पे होता है, अगला एलिमेंट पोजिशन 2 पे है, उससे अगला एलिमेंट पोजिशन 4 पे होता है, ठीक है। सो अब अगर आपको ऐसे करना है तो यहाँ पर बेसिकली यूज़ क्या चीज़ करनी है हमें, स्लाइसिंग इन दी एरे। सो आई ऑलरेडी हैव वीडियोज फॉर स्लाइसिंग नंपाय एरेज, तो अगर आपको नंपाय एरेज की स्लाइसिंग में कोई भी डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर स्लाइसिंग नंपाय एरे वाली वीडियो देख सकते हो, सो दैट आपको समझ आ जाए कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं, और अगर देखी हुई है सो यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम इजीली। सो इसमें क्या करना है हमें, वैल्यूज एट ऑड नंबर्ड पोजिशंस आर, एंड फॉर दैट आई राइट arr। अब अगर मैं 0 को फर्स्ट पोजिशन मान के चलती हूँ तो हम यहाँ पे डबल कोलन देंगे, ठीक है। एक स्लाइसिंग में हम सिंगल कोलन देते हैं, सिंगल कोलन का मतलब क्या होता है कि आपको 0 से लेके, अगर मैंने 0 सिंगल कोलन 2 दिया, दैट मीन्स वो सिर्फ पोजिशन 0 और 1 वाली वैल्यू को शो करेगा। दिस मीन्स कि 0 से 2 के बीच में जो वैल्यूज हैं वो दिखानी है, लेकिन मैं सिंगल कोलन नहीं दे रही हूँ, मैं डबल कोलन दे रही हूँ। उसका मतलब है कि 0 से शुरू करना है और 2, 2 के गैप के बाद जो भी वैल्यूज़ हैं वो शो करनी है। तो वो पहले शो करेगा पोजीशन 0 को, फिर 2 के गैप के बाद शो करेगा पोजीशन 2 को, फिर 2 के गैप के बाद 4 को, फिर 2 के गैप के बाद 6 को एंड सो ऑन, जब तक आपके पास पोजीशंस अवेलेबल हैं लास्ट पोजीशन तक, राइट। सो इसको अगर हम अभी रन करते हैं तो आपके पास देखो क्या आया, 11, 23, 19, 56। So we are getting the values at odd numbered position, assuming that 11 को हम, that is 0 को हम first position consider कर रहे हैं। अगर आप 1 को consider करते तो आप यहाँ पे 1 से शुरू कर देते हैं, और 1 से शुरू करते तो आपके पास सिर्फ दो ही numbers, दो नहीं 3 numbers तब भी बन जाते हैं, 34, 18, 35, ठीक है। So it's up to you कि किस तरह से हम करना चाहते हैं, पर जो भी है ये 2 के gap पे आ रहा है। सो ये तो ये क्वेश्चन था, उसका आंसर तो ये हो गया, बट आप चाहो तो कितने भी गैप पे नंबर्स को देख सकते हो। जैसे कि मैंने अगर 0 डबल कोलन 3 दिया
तो तीन तीन के गैप पे नंबर्स आएंगे, जैसे 0 आया फिर 2 छोड़ के 18 आया फिर 2 छोड़ के 56 आया. सो दिस इज हाउ वी कैन टेल दैट एट व्हाट डिस्टेंस यू वांट टू फेच द नंबर्स फ्रॉम एन एरे इन अ नंबर एरे. सो कितने कितने गैप के बाद आपको नंबर्स उठाने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं, फेच करने हैं, वो हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं. ठीक है, आई होप इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, समझ आ गया होगा आप लोगों को. सो समझ आ गया है तो फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक कर दो एंड अपने सिस्टम पे बना के देखो प्रोग्राम को, देन शेयर द वीडियो विद अदर क्लासमेट्स ऑफ योर्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट. बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.